Hi everyone, how are you all? I, GK Yadav, welcome you all in my YouTube channel, The Public Knowledge Classes. My dear viewers, today I have brought a very interesting session that is based on yesterday's The Hindu newspaper article. आज जो इस सेशन में हम लोग कल के जो हिंदू न्यूज़पेपर है उससे मैं एक आर्टिकल लेकर आया हूँ, उसके वर्ड को जानेंगे. और ये आर्टिकल बेस्ड है हमारे जो भारतीय सैनिक और चाइनीज सैनिक के बीच में जो झड़प हुआ था गलवान एरिया में, उसी पे बेस्ड है लद्दाख में. तो देखिए, जब अंग्रेजी को आसान बनाना है ना, तो शब्दों को आपको बहुत याद करना पड़ेगा. जितने ज़्यादा आपके पास वोकैब्स होंगे, उतने ज़्यादा अच्छी अंग्रेजी आप बोल पाएंगे और आप एग्जामिनेशन में बढ़िया कर पाएंगे. तो मेरा हमेशा से यह प्रयास रहता है कि वर्ड के यूज़ को पढ़े, यानी कि इस वर्ड कहाँ से लिया गया है, इस वर्ड का एक्चुअल और एक्यूरेट यूज़ क्या है. तो आज जिन शब्दों को हम लोग सीखने जा रहे हैं, ये द हिंदू के आर्टिकल से लिया गया है. और मैं आशा करता हूँ कि आपको यह सेशन अच्छा लगेगा. अगर यह सेशन आपके लिए फ़ायदेमंद है तो मेरे सब्सक्राइबर को बढ़ाने में मेरी मदद करें, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, अगर आप लाइक करेंगे, शेयर्स करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ये कॉन्फिडेंस ही मेरे लिए क्या है, एक फीड है. अगर आप मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप देखेंगे इस चैनल पे अच्छे से अच्छे वीडियो को मैं कंपोज करूंगा और आपके लिए मैं टाइम निकाल करके आपके फायदे की बातें करता रहूंगा. सो माय डियर व्यूअर्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड लेट्स सी द सेशन. मैं चीज़ों को छोटे छोटे हाफ में इस आर्टिकल को तोड़ तोड़ के पढ़ूंगा, उसके बाद इनके जो वर्ड्स हैं उनको भी आप लोगों को बताता हूँ. तो देखिए, द चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA मेटाक्यूलसली प्लांट द अटैक ऑन इंडियन ट्रूप्स इन ईस्टर्न लद्दाख गलवान फॉर एटलीस्ट 2 days, अ सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल सेड. द चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी मेटाक्यूलसली प्लांट द अटैक ऑन इंडियन ट्रूप्स इन ईस्टर्न लद्दाख गलवान फॉर एटलीस्ट 2 days, अ सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल सेड. यानी कि जो चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी मेटाक्यूलसली प्लान, यानी कि सोची समझी प्लान के तहत भारतीय ट्रूप्स पे क्या किया, अटैक किया. कहाँ किया? तो लद्दाख गलवान फॉर एटलीस्ट 2 days, 2 दिनों तक, अ सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल सेड. यानी किसने कहा? तो गवर्नमेंट का एक सीनियर ऑफिशियल ने इस बात को कहा है न्यूज़पेपर में. तो इस जो भी मैं पढ़ा हूँ, इसमें मेटाक्यूलसली एक वर्ड है जिसका स्पेलिंग है METICULOUSLY, मेटाक्यूलसली. मेटाक्यूलसली जो है वो मेटाक्यूलस से बना है, जो एडजेक्टिव है METICULOUS. मेटाक्यूलस मीन्स होता है गिविंग और शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल. गिविंग और शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, यानी कि चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना, वेरी केयरफुल को मेटाक्यूलस बोलते हैं. मेटाक्यूलस एडजेक्टिव है, मेटाक्यूलसली क्या है, इसका एडवर्ब है. आप जानते हैं कि एलवाई जो आता है वो एडवर्ब फॉर्म में होता है. हिंदी में अगर जानेंगे तो मेटाक्यूलस को ब्योरो पर बहुत ध्यान देने वाला, बहुत सतर्क, अति सावधान. मेटाक्यूलस का जो साइनोनिम्स होंगे वो होंगे केयरफुल, कॉन्सियंसस CONSCIENTIOUS, स्क्रपलस और पेंज टेकिंग. यानी कि मेटाक्यूलस के जो साइनोनिम होंगे वो होंगे केयरफुल, कॉन्सियंसस, स्क्रपलस और पेंज टेकिंग. कॉन्सियंसस का मीनिंग होता है केयरफुल टू डू समथिंग करेक्टली एंड वेल, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ. कॉन्सियंसस, ही इज अ कॉन्सियंसस वर्कर. उसके बाद जो मेटाक्यूलस का दूसरा साइनोनिम मैं लिया हूँ वो है स्क्रपलस, वेरी केयरफुल और पेइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल. यानी कि स्क्रपलस मीन्स क्या होता है, SCRUPULOUS, वेरी केयरफुल और पेइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, अति सावधान या ब्योरो पर अधिक ध्यान देने वाला. अ स्क्रपलस इन्वेस्टिगेशन इनटू द कॉज ऑफ द डिजास्टर, अ स्क्रपलस इन्वेस्टिगेशन इनटू द कॉज ऑफ द डिजास्टर. यानी कि जो आपदा के, जो डिजास्टर के कारण है ना, उसमें बड़ी सावधानी पूर्वक क्या किया गया है, जांच पड़ताल किया गया है. स्क्रपलस इन्वेस्टिगेशन मतलब सावधानी पूर्वक जांच पड़ताल. पेंस टेकिंग जो मेटाक्यूलस का साइनोनिम में हुआ है, पेंस टेकिंग मिस होता है, ये भी एडजेक्टिव है. वेरी केयरफुल एंड टेकिंग अ लॉन्ग टाइम एंड एफर्ट, वेरी केयरफुल एंड टेकिंग अ लॉन्ग टाइम एंड एफर्ट, अत्यधिक सावधानी से लंबी अवधि में वो परिश्रम द्वारा किया गया. द पेंस टेकिंग सर्च ऑफ द रिकेज, रिकेज मतलब होता है टुकड़ा. नाव के जब कोई नाव पानी में टूट जाता है ना बहाव के कारण, तो वो रिकेज में बदल जाता है. द पेंस टेकिंग सर्च ऑफ द रिकेज गेव अस क्लू एज टू द कॉज ऑफ द क्रैश. यानी क्रैश के कारण पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो रिकेज है नाव को उसको जुटाना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा. सो माई डियर फ्रेंड्स, नाउ देखिए, द चाइनीज ब्लॉक्ड स्मॉल रिवलेट्स इन हाइटेंट एरियाज रिलीजिंग वाटर एट हाई स्पीड व्हेन इंडियन आर्मी पर्सनल अपीयर्ड एट द डिस्प्यूटेड साइट इन गलवान एरिया ऑन June 15. द स्ट्रॉन्ग गस्ट ऑफ वाटर मेड द मेन लॉस बैलेंस. द चाइनीज चार्ज्ड, पुश द आर्मी पर्सनल एंड मेनी फेल इन टू द गलवान रिवर, द ऑफिशियल सेड. मैं फिर से पढ़ता हूँ, एक बार ध्यान सुनिए. द चाइनीज ब्लॉक्ड स्मॉल रिवलेट्स
in heightened areas, releasing water at high speed when Indian Army personnel appeared at the disputed site in Galwan area on June 15. The strong gust of water made the men lose balance. The Chinese charged, pushed the army personnel, and many fell into the Galwan River, the official said. इसमें जो हम लोगों को पढ़ना है वो है रिवोल्यूट्स. रिवोल्यूट्स में होता है स्मॉल स्ट्रीम, छोटी झरना को हम लोग रिवोल्यूट्स बोलते हैं. स्पेलिंग है RIVULETS, रिवोल्यूट्स, यानी कि बहुत जो छोटी छोटी झरना थी उसको ब्लॉक कर दिया. जब भारतीय सैनिक पेट्रोलिंग के गए तो क्या क्या अचानक छोड़ देना, जब ब्लॉक पानी के धारा को रोक के ब्लॉक करने के बाद जब आप अचानक रिलीज करेंगे तो उसका प्रवाह जो करंट होता है वो बहुत बढ़ जाता है. और उस करंट में क्या किए जो भारतीय सैनिक थे, उन्होंने लॉस बैलेंस यानी कि अपने बैलेंस को खो दिए. अंडरस्टैंड, उसके बाद बैलेंस खोने के बाद क्या हुए, स्ट्रॉन्ग मेड मेन लॉस बैलेंस, द चाइनीज चार्ज. बैलेंस खोने के बाद चाइनीज ने उनपे हमला भी कर दिया. चार्ज मतलब हमला करना यहाँ होता है. चार्ज कर द चाइनीज, द मेन लॉस बैलेंस द चाइनीज चार्ज. उसके बाद चाइनीज जो पर्सनल थे उन्होंने उस पर हमला हमला कर दिया. पुश द आर्मी पर्सनल, आर्मी पर्सनल को धक्का दिया. एंड मेनी फेल इन टू द गलवान रिवर. और इसी क्रम में, इसी झड़प के क्रम में भारतीय बहुत सारे सैनिक गलवान रिवर में गिर गए, द ऑफिशियल सेड. तो रिवुलेट का मीनिंग मैं बता चुका हूँ, वेरी स्मॉल स्ट्रीम होता है. गस मिस होता है बड़ी मात्रा में एकाएक बाहर निकलना. GUSH, गस मिस बड़ी मात्रा में एकाएक क्या होता है, बाहर निकलना. जैसे आई टर्न द टैप एंड वाटर गस्ट आउट, आई टर्न द टैप एंड वाटर गस्ट आउट. मैंने टैप के नल को खोला और पानी क्या है एकाएक तेजी से बाहर निकल गया. अब देखिए, द चाइनीज डिड अ रिकॉनिसंस, RECONNAISSANCE. द चाइनीज डिड अ रिकॉनिसंस बाय फ्लाइंग अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स टू सी द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन ट्रूप्स एंड अकॉर्डिंगली ब्लस्टर्ड देयर प्रेजेंस ऑन द अदर साइड ऑफ द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, द ऑफिशियल स्टेटेड. ऑफिशियल ने यह भी कहा है कि चाइनीज पहले हमला करने से पहले क्या किए थे, रिकॉनिसंस मतलब होता है द स्टडी ऑफ अ प्लेस और एरिया फॉर मिलिट्री रीजन. रिकॉनिसंस मीन्स होता है द स्टडी ऑफ अ प्लेस और एरिया फॉर मिलिट्री रीजन, यानी किसी भी चीज के स्टडी करना, जांचना उसको मिलिट्री रीजन से. तो द चाइनीज डिड अ रिकॉनिसंस बाय फ्लाइंग अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स क्या होता है, ड्रोन होता है जिसमें कोई ऐसा एरियल व्हीकल्स जो हवा में उड़ता है. एरियल व्हीकल्स, व्हीकल्स मीन्स गाड़ी, एरियल मीन्स हवा उड़ने वाला. अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी कि बिना आदमी का जो हवा में उड़ने वाला व्हीकल्स था उससे उन्होंने रिकॉनिसंस किया. रिकॉनिसंस क्या होता है, मिलिट्री रीजन से किसी भी चीज को स्टडी करना भारतीय साइड को. और अकॉर्डिंगली ब्लस्टर्ड देयर प्रेजेंस. ब्लस्टर्ड मतलब होता है हाइटेन, इंटेंसिफाइड, बढ़ाना, ब्लस्टर्ड. और भारतीय सैनिक के अनुसार ही उन्होंने भी अपने एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे क्या किया, सैनिकों को, टुकड़ी को उन्होंने भी बढ़ा लिया. अब आगे देखिए, तो रिकॉनिसंस मिस होता है प्रीलिमिनरी सर्वे, प्रोब, स्कूटनी और रेकी. इसका भी मैं ऐसा उन्होंने बताता हूँ. रिकॉनिसंस, RECONNAISSANCE. ये रिकॉनिसंस का जो प्रीलिमिनरी सर्वे, प्रोब आप जानते हैं, स्क्रूटनी भी जानते हैं आप, और रेकी जानते हैं, बिकॉज दिस वर्ड्स आर रैपिडली यूज्ड बाय अस. तो रिकॉनिसंस का मीनिंग क्या होता है, द स्टडी ऑफ अ प्लेस और एरिया फॉर मिलिट्री रीजन, सैन्य कारणों से किसी स्थान या क्षेत्र का सर्वेक्षण. द प्लेन वॉज शॉट डाउन वाइल ऑन अ रिकॉनिसंस मिशन ओवर इनेमी टेरिटरी. देखिए, द प्लेन वॉज शॉट डाउन वाइल ऑन अ रिकॉनिसंस मिशन ओवर इनेमी टेरिटरी. इनेमी टेरिटरी, आप दुश्मन के टेरिटरी में जाएंगे रिकॉनिसंस के पर्पज से, चाहे प्लेन रहे उसमें कितना भी आदमी रहे वो आपको मार के गिरा ही देगा. प्रीलिमिनरी में जानते हैं कमिंग और हैपनिंग बिफोर समथिंग इल्स, यानी किसी भी चीज से जो पहले होता है उसको प्रीलिमिनरी बोलते हैं. तो रिकॉनिसंस क्या होता है, स्टडी जो होता है वो किसी काम से पहले होता है. तो हमला करने से पहले उन्होंने भारतीय सैनिक के स्ट्रेंथ को स्टडी किया और उसके अनुसार ही एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल उस पार्ट उन्होंने अपने स्ट्रेंथ को बढ़ा लिया और भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया, रेगुलेटर्स को रोक करके, पानी को छोड़ करके. अब आगे देखिए, स्क्रूटनी, स्क्रूटनी मीन्स क्या होता है, स्क्रूटनी मीन्स अति सावधानी से की गई जांच होता है. तो वो भी जो है वो रिकॉनिसंस का साइनोनिम ही है, स्क्रूटनी. जैसे कि द सस्पेक्ट्स, द पुलिस केप्ट ऑल द सस्पेक्ट्स अंडर क्लोज स्क्रूटनी. एग्जाम्पल है स्क्रूटनी का, द पुलिस केप्ट ऑल द सस्पेक्ट्स अंडर क्लोज स्क्रूटनी, यानी कि पुलिस ने जितने भी संदेहास्पद व्यक्ति थे उन्होंने उसको क्लोज स्क्रूटनी में, यानी गहन जांच पड़ताल में रखा. अब आगे देखिए क्या है, द हिंदू रिपोर्टेड ऑन वेडनेसडे. हिंदू, द हिंदू यानी कि न्यूज़पेपर में आर्टिकल द लगता है, तो द हिंदू रिपोर्टेड ऑन वेडनेसडे दैट द क्लैश टुक प्लेस आफ्टर कर्नल संतोष बाबू हु वाज कमांडिंग द यूनिट
dismantle a tent erected by the Chinese and later set it on fire. यानी कि जो वो clash था, the Hindu reported on Wednesday that the clash took place. यानी कि जो clash था, झड़प था, वो Wednesday को on Wednesday को कहा after Colonel Santos Babu, यानी कि Santos Babu who was commanding the unit, जो unit को command कर रहे थे, dismantle a tent erected by the Chinese and later set it on fire. यानी कि जो actual line of control के पास जो दोनों सेना, मतलब जो चाइनीज टेंट बनाए हुए थे, उसको संतोष बाबू ने क्या किया, डिसमेंटल कर दिया, तहस नहस कर दिया और उसको उसके बाद उसमें आग लगा दिया. ड्यूरिंग द जून 6 मिलिट्री लेवल टॉक्स, यानी कि जो 6 तारीख को दोनों जो मिलिट्री लेवल का टॉक हुआ था, उसमें द टू साइड्स डिसाइडेड टू रिमूव द टेंट. दोनों साइडों ने क्या बोला कि हम लोग अपने अपने टेंट को उखाड़ करके पीछे पीछे पीछे. रिपोर्टेड ऑन वेडनेसडे दैट द क्लैश टुक प्लेस आफ्टर कर्नल संतोष बाबू, यानी कि जो क्लैश, जो झड़प हुआ था, वो किसके बाद हुआ था, जो संतोष बाबू जो कर्नल थे. देखिए कर्नल होता है colonel, इसको कर्नल बोलते हैं और इसको कोलोनल भी बोलते हैं. अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश का अंतर है. तो आप इसको colonel बोलेंगे या कर्नल बोलेंगे, स्पेलिंग क्या होगा, colonel होगा. तो कर्नल संतोष बाबू हु वॉज कमांडिंग द यूनिट, जो यूनिट के कमांडर थे, डिसमेंटल अ टेंट इरेक्टेड बाय द चाइनीज एंड लेटर सेट इट ऑन फायर. यानी कि जो चाइनीज के द्वारा एक टेंट को इरेक्ट किया गया था, इरेक्ट मतलब स्टैंड करना, खड़ा करना, कंस्ट्रक्ट करना, उसको उन्होंने क्या किया, तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया, डिसमेंटल, और उसके बाद उसमें उन्होंने आग लगा दिया. ड्यूरिंग द जून 6 मिलिट्री लेवल टॉक्स, यानी कि जो 6 तारीख के दोनों देशों में जो मिलिट्री लेवल टॉक्स हुआ था, द टू साइड्स डिसाइडेड टू रिमूव द टेंट, दोनों साइडों ने क्या किया था कि अपने अपने टेंट को हटाने के लिए एग्री हो गए थे. इट हैज नाउ इमर्ज्ड दैट डिसमेंटल मतलब होता है टेक अपार्ट, नॉक डाउन, डिस्ट्रॉय, डिमोलिश, टियर डाउन. यानी कि डिसमेंटल में तहस नहस करना, इसको जो साइनोनिम है वो है टेक अपार्ट, नॉक डाउन, डिस्ट्रॉय, डिमोलिश, टियर डाउन. ये सारे डिसमेंटल के साइनोनिम है, DISMANTLE. अब आगे देखिए, इट हैज नाउ इमर्ज्ड दैट द टेंट वॉज डिस्ट्रॉयड 2 डेज बिफोर द जून 15 क्लैश. यानी कि जून को जो 15 जून को जो क्लैश हुआ था, उससे 2 दिन पहले टेंट को क्या किया गया था, डिस्ट्रॉय किया गया था. When Indian troopers were patrolling the contested site, यानी कि जब Indian troopers जो थे, सैन्य टुकड़ी थे, वो contested site, यानी कि जो विवादित, contested means विवादित, वो contested यहाँ पे लिख रहा है, तो contested site पे जो Indian troopers क्या कर रहे थे, patrolling कर रहे थे, तो Indian troopers were patrolling the contested site. देखिए site, site means क्या होता है, दृश्य, site means site, site मतलब जो किसी भी site पे होता है, site पे, और एक होता है CIT, साइट मिस कहना होता है. तो यहाँ पे SIT है साइट. द चाइनीज थ्रू ब्लडर्स, द चाइनीज थ्रू ब्लडर्स ऑन देम एंड अनलिस्ट स्ट्रॉन्ग करेंट ऑफ वाटर बाय अनब्लॉकिंग द रिवल्यूट्स. यानी कि जो रिवल्यूट्स को ब्लॉक करके रखे थे, उसको अचानक वो छोड़ देते हैं. और ब्लडर्स, BOULDER, ब्लड, बड़े बड़े जो पत्थर शिलाखंड होते हैं, उस पर भारतीय सैनिक पे हमला कर देते हैं, ब्लडर्स. तो आप जानते हैं कि ब्लडर्स अ वेरी लार्जेस्ट, बड़ा शिलाखंड होता है. कॉन्टेस्टेड मिस डिस्प्यूटेड होता है, अभी जो मैं एक वर्ड यूज किया हूँ. पेट्रोल मिस होता है गश्त लगाना, इसका स्पेलिंग होता है PETROL, पेट्रोल मिस गश्त लगाना. एक होता है PETROL, पेट्रोल मिस होता है फ्यूल, आप जानते हैं. और अनलिस मिस होता है रिलीज करना, अनलिस मिस रिलीज करना. सो माई डियर व्यूअर्स, विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो लेक्चर आई हैव डिस्क्राइब्ड एन आर्टिकल विच हैज बीन टेकन फ्रॉम स्टडेज न्यूज पेपर, सटरडे के न्यूज पेपर से लिया गया है. So I hope it is very, very beneficial for you. I will be doing my best for the betterment of your knowledge and you will be doing your best betterment of my channel. That's all. Thank you.